हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन. दिस इज गौरी. सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कि सीएसजेएमयू कानपुर, यहां पे जो इस साल के लिए पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ऑन 30 जुलाई. सो इस एंट्रेंस एग्जाम के दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. सो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के भी सिलेबाई मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है. सो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो CSJMU में इस साल के लिए पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, CSJMU एंट्रेंस टेस्ट लेती है फॉर द पीएचडी एडमिशन. जिस एंट्रेंस टेस्ट में दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन ये सभी के लिए कॉमन है, विच इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड पेपर टू ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. ओके, एंड ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रहेगा. सो पेपर वन में आपको 35 MCQs पूछे जाते हैं, एंड पेपर टू में आपको 35 MCQs पूछे जाते हैं, एंड टोटल मार्किंग आपका होगा 70 मार्क्स का एग्जाम. ओके, एंड अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तब भी आप क्वालिफाई कर पाओगे. एंड दैट्स वाई आपको ईच एंड एवरी पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करके दोनों ही पेपर्स को क्वालिफाई करना है. सो पेपर वन को यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग CSJMU एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों का भी समावेश है. हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो. एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इंक्वायरी भी कर सकते हो. कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़. एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम आपको CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर टू के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं. सो MCQ सेक्शन में एक्सपेक्टेड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बाय द यूज ऑफ एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs गारंटीड आप पेपर टू को भी क्वालिफाई कर सकते हो. सो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है विच यू वॉन्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस है 999 रुपीज़, एंड ये भी बहुत कम है. एंड इनकम फीस में हम आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप पेपर टू को भी क्वालिफाई कर लेते हो. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों ही पेपर्स को ज्वाइन करना है, पेपर वन एंड पेपर टू, देन आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. सो नाउ लेट अस सी पेपर वन रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग ऑफ डेटा, देन इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, फुट नोटिंग, बिब्लियोग्राफी, फाइनलाइजिंग द थीसिस एंड इट्स प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथिसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, थीसिस राइटिंग, रेफरेंस साइटिंग. सो यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास कोर्स में सारा सारे टॉपिक्स कर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स के ऊपर MCQs अवेलेबल है, मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है. सो बेसिकली ऑल द स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स. ओके, जो कोर्स हम सभी आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है, सो अकॉर्डिंग टू द
all of the universities and according to the common, you know, topics in the research methodology, humne ye syllabus design kiya hai. And it is really very helpful because yes, in sare ke sare topics ke upar aapko exams mein hamesha questions puche hi jaate hai. So now let us see paper 2, subject specific syllabi. So yahan pe maine computer science and information technology ka syllabus detail mein mention kiya hai, jisme section 1 ye इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकंड सेक्शन इज़ फॉर डिजिटल लॉजिक, थर्ड इज़ फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, देन नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसिस, कंप्यूटर नेटवर्क्स. नाउ यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज एंड उनके सिलेबाय मेंशन किए हैं. सो पेपर 2 के सिलेबाय ये इधर यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है या फिर गेट के या फिर सीएसआर नेट के. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज मैंने ईच एंड एवरी कोर्सेज के सिलेबाय यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर किए हैं. सो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी कोर्सेज का सिलेबस अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट की तरह है. ओके, देन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए UGC नेट के सिलेबस को रेफर करना है. केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट, केमिस्ट्री के लिए CSIR नेट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए गेट, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ और मिलिट्री स्टडीज़ के लिए UGC नेट, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए UGC नेट, इकोनॉमिक्स के लिए UGC नेट, एजुकेशन UGC नेट, एजुकेशन ट्रेनिंग, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए UGC नेट के सिलेबस को रेफर करना है. कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गेट, स्टैटिस्टिक्स के लिए UGC नेट, होम साइंस UGC नेट, हॉर्टिकल्चर ICAR नेट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट, मैथमेटिक्स CSIR नेट, म्यूजिक UGC नेट, फार्मेसी GPAT, फिलोसॉफी UGC नेट, फिजिकल एजुकेशन और योगा UGC नेट, फिजिक्स CSIR नेट, पॉलिटिकल साइंस UGC नेट, साइकोलॉजी UGC नेट, संस्कृत, सोशल वर्क और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, सोशियोलॉजी, उर्दू, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए UGC नेट के सिलेबाय को मेंशन करना, रेफर करना है. एग्रीकल्चर के लिए ICAR नेट, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए UGC नेट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए UGC नेट, दीनदयाल शोध केंद्र के लिए CSJMU यानी कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी सिलेबस आपको रेफर करना है, एंड योगा के लिए UGC नेट. सो इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है एंड इतने सारे कोर्सेज के लिए वेकेंट सीट्स भी अवेलेबल है, एंड दैट्स वाई इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबाय भी अवेलेबल है, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है. एंड मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सिलेबाय डिटेल में कवर किया, डिस्कस किया, बिकॉज सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत टाइम चला जाता. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.